इस माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं एरर स्पॉटिंग की बात करता हूँ। किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक और एरर है तो उसे कैसे ठीक किया जाए या क्या सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, दे गेव मी एन एडवाइस और अ पीस ऑफ एडवाइस होना चाहिए। देखो, जब एडवाइस की बात की जाती है तो एडवाइस को हम कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते, इट्स अनकाउंटेबल। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम कहें अ पीस ऑफ एडवाइस, दे गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट। नंबर टू, एक और सेंटेंस देखते हैं, यू स्पीक इंग्लिश गुड और वेल। देखो, सबसे पहले क्या है, स्पीक क्या है, इट्स अ वर्ब, राइट। तो गुड की जब बात की जाती है, गुड इज एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, राइट। वेल इज एडवर्ब, तो एडवर्ब जो होगा वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ स्पीक क्या है, इट्स वर्ब, इट्स वर्ब, तो स्पीक जो वर्ब है इसको कौन मॉडिफाई करेगा, एक एडवर्ब। सो यहाँ पे वेल हो जाएगा, यू स्पीक इंग्लिश वेल, जिससे क्या होगा, इंग्लिश का एक बढ़िया सा मीनिंग हमें समझ में आएगा, हमें पता लगेगा कि आप कैसे बोलते हो, क्योंकि स्लाइट चेंज आएगी और मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा स्पीक वर्ब का, तो हमें अच्छे से पता लगेगा, ठीक है ना, कि तुम कैसे बोलते हो, राइट। सो यू स्पीक इंग्लिश वेल, आई रिपीट, दे गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस एंड यू स्पीक इंग्लिश वेल। तो ये जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी, ये वर्ड भी कॉम्पिटिटिव नहीं होता, इट्स कंपेटिटिव, तो जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो हमने करेक्ट करने होते हैं, राइट। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, बिकॉज आगे जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनमें मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, राइट। थैंक यू।